हापुड़ नगर पुलिस और जनपदीय एसओजी की संयुक्त टीम ने वाहन चालकों को बंधक बनाकर ट्रकों आदि वाहनों से माल की लूटपाट करने वाले एक हथियारबंद गिरोह के 8 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 3 वाहनों में लदी 1039 पेटी डिटॉल साबुन, हैंड वॉश और फोमिंग हैंड वॉश, साथ ही 2 लाख रुपये नकद बरामद किए हैं। लुटेरों ने यह माल होली की रात को किसान पथ लखनऊ से बाराबंकी अयोध्या मार्ग पर एक कैंटर चालक को बंधक बनाकर और 8 मार्च की रात को थाना शाहजहांपुर क्षेत्र के अंतर्गत एक कैंटर का ताला तोड़कर डिटॉल साबुन की 1000 पेटियां लूटी थीं। हथियारबंद लुटेरे पिलखवा के किशनगंज मोहल्ला के अभिषेक मित्तल को लूट का माल बेचने आए थे कि वह हापुड़ पुलिस और एसओजी टीम के हत्थे चढ़ गए। लुटेरों के कब्जे से बरामद माल की कीमत करोड़ों रुपए आंकी गई है। पुलिस अधीक्षक ने पुलिस टीम को 25,000 रुपये का इनाम देने की घोषणा की है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने सोमवार की अपराहन हापुड़ पुलिस लाइन में पत्रकारों को बताया कि हापुड़ कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार पांडे और एसओजी टीम प्रभारी पारस मलिक पुलिस बल के साथ बाईपास पर एक कॉलेज के पास चेकिंग कर रहे थे कि 3 ट्रकों में सवार बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पकड़े गए बदमाश माल के कोई कागजात पुलिस के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सके। पुलिस ने मौके से मोदीनगर के हरीश शर्मा, थाना मसूरी के गाँव नाहल का लुकमान, थाना मुंडावली के गांव लोटी का अक्षय शर्मा, असलम, थाना किठोर के मोहल्ला इस्लामाबाद का अफरोज, थाना हापुड़ देहात के गांव सुल्तानपुर का गुलफाम, किला परीक्षितगढ़ के मुश्तर को गिरफ्तार किया है। लूट के माल को खरीदने वाला थाना पिलखवा के मोहल्ला किशनगंज के अभिषेक मित्तल को भी पुलिस ने धर दबोचा। थाना नगर कोतवाली और हमारी जनपदीय स्वाट टीम द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है और इसमें एक लूट का पर्दाफाश किया गया है जो जनपद बाराबंकी में हुई थी और साथ में एक घटना जो जनपद शाहजहांपुर में हुई थी। इन दोनों घटनाओं में अलग अलग तारीखों में जो डिटॉल साबुन होता है, डिटॉल सोप होता है, उसका एक लदा हुआ ट्रक बिहार के रास्ते पर जा रहा था और उसको बीच रास्ते में कुछ लोगों ने इंटरसेप्ट करके उनके ड्राइवर और क्लीनर के साथ लूटपाट की वारदात करी थी और लगभग 1000 पेटियों के ऊपर का कुछ माल था जो उन्होंने लूट करने के उपरांत अपनी गाड़ियों में रख करके ट्रांसफ़र कर लिया था और उसको बेचने की फिराक में यहाँ जनपद हापुड़ में वह घूम रहे थे। इनमें जब हमको सूचना प्राप्त हुई तो हमारी एसओजी और थाना नगर कोतवाली की पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस पूरे इंटेलिजेंस को डेवलप किया और इसमें 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक हरीश नाम के व्यक्ति हैं जो ये मीडिएटर है पूरा सामान बिकवाने में, और लुकमान हैं, मुस्तशर हैं, अफरोज़ हैं और अभिषेक मित्तल हैं जो इस पूरे सामान को खरीदने जा रहे थे। इन्होंने पूछताछ में ये भी बताया है कि इन लोगों ने इस तरीके की पूर्व में भी घटनाएं कारित करी हैं और सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, झारखंड, बिहार जैसे राज्यों में भी जा करके सेम तरीके की वारदात ये लोग करते थे अपने कुछ अन्य लुटेरे साथियों के साथ जो अभी वांछित चल रहे हैं, जिनकी फिराक में हमारी पुलिस लगी हुई है। इन्होंने पूछताछ में ये बताया कि ये पूरे सामान को बहुत ही बारीकी से गायब करते थे, लूटपाट करते थे, ड्राइवर क्लीनर के साथ मारपीट करते थे और सामान को ट्रांसफ़र करके अन्य अलग अलग जनपदों में जा करके इसको बेचा करते थे। इसमें जो अपराध है इसमें मुस्तशर जो है लगभग 30 के मुकदमे उनके ऊपर दर्ज हैं और सभी जो अपराधी हैं बड़े कुख्यात अपराधी हैं, लगभग 12-13-14 मुकदमे सभी के ऊपर दर्ज हैं। जो अन्य कुछ वांछित लुटेरे हैं उनकी सघन तलाशी की जा रही है और अभी हमारी 2 टीमें लगातार उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिशें दे रही हैं। इसमें कंपनी से समन्वय स्थापित करके और जनपद शाहजहांपुर और बाराबंकी को इन्फॉर्म किया गया है और जो भी इसमें अन्य सामान अगर जो लूटा गया है उसके बारे में तस्दीक की जा रही। गौर करने वाली बात ये जो पूरा सामान जो ये लूटा हुआ है ये लगभग 35 लाख रुपये का ये बॉक्सेस में जो साबुन था वो था 35 लाख रुपए का ये बॉक्सेस में जो साबुन था वो था और जो ट्रक बरामद हुए हैं, एक बोलेरो कैंटर बरामद हुई है, लगभग 2 लाख रुपए बरामद हुए हैं जो इस सामान को ख़रीदने के लिए इस्तेमाल किया जाना था। पूरी रिकवरी लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास जनपद हापुड़ पुलिस द्वारा की गई है, तो ये बहुत ही सराहनीय कार्य दोनों हमारी संयुक्त टीमों का रहा है और इसमें जो अन्य व्यक्ति जो वांछित चल रहे हैं उनको भी हम लोग जल्द गिरफ्तार करेंगे। देखिए अभी जो इसमें एक नाम सामने आया है वो अभिषेक करके हैं, ये पिलखुआ के रहने वाले हैं, इनका नाम सामने आया है। एक अक्षय करके हैं, अक्षय शर्मा, इनका नाम सामने आया और इनके ही थ्रू अन्य व्यापारियों को ये लोग लाते थे और उनको सामान बेचते थे। इन्होंने पूर्व में भी कुछ घटनाएं कारित करी है जिसमें बताया है कि जो
एफएमसीजी गुड्स होते हैं, जैसे बिस्किट्स हो गए या फिर डिटर्जेंट साबुन हो गया, इस तरीके के ट्रकों के ये लोग निशाना बनाते थे, लूटते थे, और उनको सस्ते दामों पे जो लोकल व्यापारी बनिया और जो लोकल व्यापार करते हैं जिनकी दुकानें होती हैं उनको ये लोग उपलब्ध। बिल्कुल, इन्होंने अपनी पूछताछ में ये बताया है कि इससे पहले भी कुछ साबुन का था, सर्फ एक्सल साबुन का कोई सामान इनके पास इनको मुहैया कराया गया था, वह भी इन्होंने जो चोरी का और लूट का सामान था उन्होंने खरीदा और डिस्ट्रीब्यूट किया। जैसा मैंने बताया, एक अभिषेक करके हैं जो पिलखुआ के रहने वाले हैं, अभिषेक मित्तल, इनको गिरफ्तार किया गया है। इनसे पूछताछ में और भी जो दो तीन लोगों के नाम सामने आएंगे उनके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई। पूछताछ के दौरान लुटेरों ने पुलिस को बताया कि होली वाली रात को किसान पथ लखनऊ से बाराबंकी अयोध्या मार्ग पर एक कैंटर के चालक को बंधक बनाकर कैंटर से डिटॉल हैंड वॉश कार्टून के 500 पेटी लूट कर दूसरे कैंटर में लाद लिए थे और 8 मार्च की रात को थाना रोजा जनपद शाहजहांपुर के अंतर्गत बंतारा नहर के पास एक कैंटर के दरवाजे का ताला तोड़कर डिटॉल साबुन की 1000 पेटियां लूट ली थी। लूट का ये माल वो पिलखुआ के अभिषेक मित्तल को बेचने जा रहे थे। इससे पहले भी वो लूट और चोरी का माल अभिषेक मित्तल को कई बार बेच चुके हैं। पुलिस ने लुटेरों के कब्जे से 2,00,000 रुपये नगद, 1039 पेटी डिटॉल साबुन, हैंड वॉश, 3 तमंचे, 3 कारतूस, 3 अवैध चाकू, घटना में इस्तेमाल 2 आयशर कैंटर, बुलेरो पिकअप बरामद की है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि लुटेरा मुस्तर, लुकमान, असलम, अक्षय, हरीश, शातिर किस्म के बदमाश हैं। लुटेरों को जेल भेज दिया गया है।